आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तानाशाही के खिलाफ अगर मुझे 100 बार भी जेल जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। मैं भगत सिंह का चेला हूं और मुझे जेल जाने में फख्र है। 1 जून को पंजाब के लोग बताएंगे। पंजाब में बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिलेगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर तरफ जनता में उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। जनता इस बार बीजेपी की तानाशाही को कड़ा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में पंजाब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि पूरे पंजाब में स्कूल ठीक कर रहे हैं, अस्पताल ठीक कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, लोगों को दवाइयां और बढ़िया मुफ्त इलाज किया जा रहा है। बहुत काम बाकी है, अभी तो केवल 2 साल ही हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी प्रमुख ने कहा केंद्र का चुनाव है, केंद्र के चुनाव में हमारे हाथ मजबूत है। अमित शाह पंजाब आए और लोगों को धमकी देकर गए कि 4 जून को पंजाब की भगवंत मान को सरकार खत्म कर देंगे, हटा दूंगा, ये तो गुंडागर्दी है। पंजाब के लोगों को धमकी देकर जा रहे हैं। मैं अमित शाह को कहना चाहता हूँ कि पंजाब के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, प्यार से मांगते तो दिल भी दे देते, लेकिन जो धमका के गए हैं तो अब देखना 1 तारीख को ऐसा बटन दबेगा कि कमल का फूल हवा में उड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि फ्री बिजली पानी जो मिल रहा है उससे लोग घबरा गए हैं, इसलिए सरकार खत्म करना चाहते हैं। ये लोग खुद को भगवान से बढ़कर समझने लगे हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।